नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है। आज उसी कड़ी में एक तुगली की फरमान और जारी किया इन लोगों ने कि जिस तरीके से पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि एसबीआई बैंक जितना भी ये चुनावी चंदे के रूप में बॉन्ड के रूप में इन राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ है उसकी सूची 6 मार्च 2024 तक और चुनाव आयोग को एसबीआई बैंक सौंपे। लेकिन आपको बताता रहा हूं मैं कि सबसे ज्यादा 55% के रूप में जो चंदे की राशि है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और इस बात से घबरा के कि किस तरीके से बड़े राजनीतिक घरानों से इस पार्टी के संबंध हैं, किस तरीके से ये बड़ी कंपनियों के साथ मिलके इस देश के बड़े राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सूची उजागर नहीं हो जाए, तो इस बात से घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि ये जो सूची है उसकी डेट जो 6 मार्च है उसको बढ़ा के 30 जून की जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, एसबीआई बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके सारे सिस्टम इतने अपडेट हैं कि कोई भी जानकारी देने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बात से फिर साबित हो रहा है कि जिस तरीके से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसी तरीके से एसबीआई बैंक के साथ मिलकर ये जनता के साथ धोखा करना चाह रहे हैं ताकि ये चुनाव का समय निकल जाए। लेकिन इस बात का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश का नागरिक पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और इस संबंध में हमें जो निर्देश मिले हैं हमारे एआईसीसी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय गोंजी डोटासरा के निर्देशानुसार जिला झुंझुनू कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कल सुबह 7 मार्च को 11 बजे एसबीआई की मुख्य ब्रांच जो सावेवाड़ा कुआ ताल में है वहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करेंगे और आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जो सूची है चुनाव आयोग को वो 6 मार्च तक का समय था उसी पे उपलब्ध कराई जाए, न कि उसका समय बढ़ाया जाए ताकि इनके काले कारनामे हैं वो जनता के सामने आ सके। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है। आज उसी कड़ी में एक तुगली की फरमान और जारी किया इन लोगों ने कि जिस तरीके से पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि एसबीआई बैंक जितना भी ये चुनावी चंदे के रूप में बॉन्ड के रूप में इन राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ है उसकी सूची 6 मार्च 2024 तक और चुनाव आयोग को एसबीआई बैंक सौंपे। लेकिन आपको बताता रहा हूं मैं कि सबसे ज्यादा 55% के रूप में जो चंदे की राशि है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और इस बात से घबरा के कि किस तरीके से बड़े राजनीतिक घरानों से इस पार्टी के संबंध हैं, किस तरीके से ये बड़ी कंपनियों के साथ मिलके इस देश के बड़े राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सूची उजागर नहीं हो जाए, तो इस बात से घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि ये जो सूची है उसकी डेट जो 6 मार्च है उसको बढ़ा के 30 जून की जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, एसबीआई बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके सारे सिस्टम इतने अपडेट हैं कि कोई भी जानकारी देने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बात से फिर साबित हो रहा है कि जिस तरीके से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसी तरीके से एसबीआई बैंक के साथ मिलकर ये जनता के साथ धोखा करना चाह रहे हैं ताकि ये चुनाव का समय निकल जाए। लेकिन इस बात का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश का नागरिक पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और इस संबंध में हमें जो निर्देश मिले हैं हमारे एआईसीसी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय गोंजी डोटासरा के निर्देशानुसार जिला झुंझुनू कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कल सुबह 7 मार्च को 11 बजे एसबीआई की मुख्य ब्रांच जो सावेवाड़ा कुआ ताल में है वहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करेंगे और आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जो सूची है चुनाव आयोग को वो 6 मार्च तक का समय था उसी पे उपलब्ध कराई जाए, न कि उसका समय बढ़ाया जाए ताकि इनके काले कारनामे हैं वो जनता के सामने आ सके।